दहेज के लोभियों ने एक और लड़की की जान ले ली। मामला मथुरा जनपद के माठ थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक 22 साल की विवाहिता की मौत हो गई। विवाहिता के परिजनों का आरोप है कि ससुरालियों ने दहेज के लिए उसे फांसी के फंदे पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया। वो हमारे साले की लड़की है, इसका नाम रूबी है। हाँ। वो ससुराल में लड़ाई झगड़ा करते थे, दहेज की मांग करते थे। हाँ। इसलिए उसको फांसी लगा दी। रात को दोनों हाथ पैर बांध के, हाथ बांध के पीछे और पंखे पे लटका दी और उसको मारा पीटा है। उसके शरीर पे पीछे निशान भी है। वो लड़की है उसी घर में, तो बड़ी लड़की कमरा में बंद कर दी थी और उसने बताया। तो क्या पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना दी 100 नंबर पे। 100 नंबर गई थी तो उसको लाश को ले जा रहे थे वैसे ही बिना कांटी बनाए, जलाने के लिए ले जा रहे थे। जलाने के लिए ले जा रहे थे। कंप्लीट थे। तो फिर वो खेतों में जाके वो पकड़ी है, ढूंढी है, तब जाके तीन आदमी पकड़ लिए उन्होंने।